लेकिन मुझे वो महसूस कम हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि जो प्यारे हमारे भाई हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई भी हैं, वो जेलस ना हो, मेहनत करें, नई 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 इजादात म्यूजिक में लेके आए, डांस में आगे जी बढ़े, मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुआ। फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाकी पता क्या मेरे और ट्रैक का आपका बदोबदी टूट भी आ रहा है, लेकिन आपने जो गाना आपका था क्योंकि उसमें आपने लिया ओरिजिनल बदोबदी से तो लिया आपने कॉन्टेंट, लेकिन आपकी अपनी उसमें आपने ऐड किया, आपने जो यूट्यूब से किया रहा कुछ उनके सोलिसिटर्स के जरिए आप उनसे रब्ता करें कि उसको रेस्टोर करें। नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला विद इन 10 डेज सिस्टर के लिए सिस्टर के लिए। अच्छा, लीगल काम? जी सर बिल्कुल, मैंने अपने जो मेरे वकला की टीम है उनसे रब्ते हो चुके हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। तो यूट्यूब भी कह रही कि आप थ्रू सिस्टर्स के चांद रात को छुट्टी ईद पे, तो एग्जैक्टली 8 दिन के बाद मुझे ईमेल आ गया उनका एक लेटर, EMY वाले कहते हैं कि ये गाना हमारा है। फिर मैंने 2 दिन के बाद सोच के उनको 6 महीने पे मैंने भी लेटर जी लिखा, नहीं कि ये मेरा ही गाना है, मैंने लिखा है, मेरी कंपोजिशन है, हर चीज मेरी और मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ। शुक्र अल्लाह का उन्होंने वो रिमूव कर दिया, उन्होंने वो रिमूव कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली आज से 2 वीक होने लगे हैं, तो फिर एक ईमेल आ गया क्योंकि फिर नूर जहान कंपनी है, तो वो कह रहे हैं कि आपने ये गाना हमारा, तो उन्होंने गाना ठीक ही कर दिया। ये होगा जब 28 मिलियन थी होगी। आप समझते हैं कि बाद ऐसे जेलस लोग हैं जिन्होंने ये? हाँ, मैं हमेशा अपने, मैं माशाल्लाह 4,500 से ज्यादा मैं इंटरव्यूज दे चुका हूँ, ठीक है, लाइव दे चुका हूँ, लाइव आ चुका हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि मेहनत करें, मेहनत करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जेलस नहीं होना, अपने आप को खुश रखना, और जो आपके पास है उसको आगे दें, जो आपके पास है उसको आगे दें, आगे दें। गाने से जो आपको अर्निंग हुई तो वो अभी वापस मांग रहे हैं या अभी आपके पास है? नहीं चाहता, वो पता कि हमने क्या थी करेंगे, जो पहली मेरी अर्निंग आई वो 24 को आ रही है, 24 अप्रैल में, हाँ जून में, हाँ जी, तो वो मेरी आ रही है, ठीक है। वो उन्होंने बीच में यस उन्होंने डिडक्शन की है, रात भी जो होगी रात भी, वो EMI वालों को भी कुछ पैसे गए होंगे, ठीक है, और जो है नूरजहां वाले उनको भी, मुझे शक है कि जो नूरजहां, वो मुझे लग नहीं रहा कि वो कोई कंपनी है, इतनी शरारत की है, मिल चले कितने पैसे कटे और कितने, वो जितने भी 24 को पता चलेगा। लेकिन लेकिन दूसरी बात ये मैं मीडिया में कह रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि 70 लाख करोड़ 2 करोड़, नहीं नहीं फॉरगॉट से, मेरा भी मेरा तो कंटेंट रजिस्टर्ड नहीं है, मेरे पास तो वकील ही नहीं है, मैं कैसे 70 लाख 2 करोड़ कमा सकता हूँ, मेरा तो रजिस्टर ही नहीं है। मुझे तो अब पता चला है कि मैंने अपने गाने रजिस्टर करवाने, कॉपीराइट भी करवानी है, वो तो जो हाँ जो कुछ बेचारे कर रहे हैं 10 साल से यूट्यूबर है, मेरा तो भी 4 साल हुए मोनेटाइज हुआ है, और 11.5 साल से मैं, ये मेरा चैनल है, मैं ऐसा ऐसा अच्छी लगा रहा हूँ, तो अब अल्लाह ने आके ये मेरा ट्रैक बहुत हिट हुआ है, तो मिलियन में जी गाना गया, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ मीडिया के थ्रू माशाल्लाह कि ये जो 70-80 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, मेरा तो रजिस्टर ही नहीं है। इवन मुझे अब पता चला कि मुझे अपनी हर चीज रजिस्टर करानी चाहिए कॉपीराइट, जो इंशाल्लाह ताला जिन नेक्स्ट 10-12 दिन के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। ये सारा मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मैं पता नहीं कितने कमा गया, हाँ जी मैं कमा रहा हूँ, अपने शो से कमा रहा हूँ, मेहनत करके, डांस करके, लाइव शो में नहीं जाके। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ना मैंने पहले डिपेंड किया था कि मुझे पैसे आए, कैसा पता क्यों है खाने वाली टेबल पे जी बैठा, कभी मैंने डिपेंड नहीं किया कि मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे इतने पैसे हैं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ मांगता था, मानता हूँ कि मैं परफॉर्म करूँ, शो करूँ, ये मेरा शौक है, शादी में आके शो मुझे पता आता, ठीक है। अब अल्लाह कह रहे अमेरिका कैनेडा का टूर है, तो कल इंशाल्लाह ताला डिसाइड हो जाएगा, कल शाम तक दुबई का अल्लाह खैर रखे, ऑस्ट्रेलिया का इंशाल्लाह ताला में जो मीर है वो भी हो जाएगा जिस सर्दियों में नवंबर में इंशाल्लाह ताला, मुझे ये शौक है, इस वजह से खुदा को है तो मुझे महसूस जरा नहीं, मुझे तो ये हुआ कि प्यार करने वाले म्यूजिशियन ऐसा भी करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज
آگے جانا چاہیے, آگے آگے آگے. وہ نیڈ بڑی سوچ ہونی چاہیے, بڑا جس سوچ ہونی چاہیے آپ کی, اور سب کو اپریشیٹ کریں, تعریف کریں کہ آپ سے کوئی کام کے لیے آتا ہے یا کچھ راستے کے لیے آتا ہے, اس کو پورا چاہے نام بتائیں, تھوڑا سا تو بتائیں, راستہ سیدھا بتائیں. آپ